guys, welcome back. It's me, Neelufer. So today I'm going to share step by step gold shimmery eyes with nude lip. Lipstick आप आपकी choice का किसी में भी try कर सकते हो. So watch the complete video. Video पसंद आती है तो कर दीजिएगा like, share and subscribe. अगर अभी तक आपने नहीं किया है. And जाने से पहले leave your comment below कि video कैसी लगी. So let's start the video. So I already cleaned my face. So first step, wash your face. एंड सेकेंड इज पुट सम मॉइस्चराइजर जो ऑलरेडी मैंने डन कर लिया. एंड थर्ड इज फेस प्राइमर. सो यहाँ पर मैं रेवलॉन का फेस प्राइमर ले रही हूँ. अगर आपके पास नहीं है आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का और अपने फेस के टी जोन पे इसको अप्लाई कर लूंगी. एंड देन इसे थोड़ा सेट होने के लिए 3 to 4 minutes मैं रख लूंगी या 2 to 3 minutes. मेरा ऐसे ही कुछ टाइम होता है जिसे मैं सेट करने के लिए रख देती हूँ. नेक्स्ट मैं अपने ब्रावो को फिल इन करूंगी. सो यहाँ पर सो नाउ आई होल्ड इट टाइटली. सो यहाँ पर मैं ब्यूटी रूल का ब्रावो पेंसिल ले रही हूँ जिसका शेड है ब्लैक. एंड थोड़ी सी इसे मैं ऊपर की तरफ कोम कर लूंगी. एंड देन अपने नेचुरल जो भी मेरा शेप होगा उसे मैं आउटर लाइन करूंगी. देन फिल इन करूंगी और उसके बैक में जो कोम है या पुली है उसे मैं अच्छे से स्मच कर लूंगी. आप कोई भी ब्लैक शेडो या ब्राउन शेडो को मिक्स करके आपके ब्रावो को फिल इन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी पेंसिल नहीं है. तो ये मैंने अदर आई में भी कर लिया है. सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं SFR कलर कंसीलर पैलेट लूंगी जिसमें आपको कॉन्टोर के कलर करेक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं और कंसीलर के भी. सो मैं अपने ब्रावो को थोड़ा सा क्लीन करूंगी और साथ ही साथ अपने लिट में इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी और अपने फिंगर टिप से इसे अच्छे से पैट पैट मोशन में ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट आप किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं कंसीलर पाउडर से इसे सेट कर लूंगी. फॉर आई लुक आई एम टेकिंग हुडा मोजी ब्यूटी रोल्स गोल्ड पैलेट जिसमें ऑलमोस्ट यही शेड होंगे और इसी में से जस्ट मैं 2 shades पिक करूंगी. एक ब्राउन कलर एंड देन उसी के साथ एक गोल्डन शिमरी कलर है. यही 2 से मैं आई लुक जो है क्रिएट करूंगी. सो पहले मैंने ब्राउन कलर पिक किया है और इससे एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अपने आउटर वी में अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और साथ ही मैंने जो गोल्ड है उसे फिंगर टिप से अच्छे से अपने इनर कॉर्नर से लेते हुए अपने हाफ ऑफ माई लिड इसको अच्छे से सेट कर लिया है, अप्लाई कर लिया और ब्रश के हेल्प से अच्छे से. तो आप देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर मैं मैक का काजल लूंगी और सिंपली एक विंग क्रिएट करूंगी, थोड़ा सा लंबा सा और थिन विंग होगा. नेक्स्ट बुलेट ब्रश के हेल्प से इसे मैं अच्छे से स्मच कर दूंगी, थोड़ा स्मोकी विंग लगे इसलिए. सो मैं इसे अच्छे से स्मोक आउट कर लूंगी. नेक्स्ट में यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर लैश एंड बॉटम लैश में. ओ आई फॉरगॉट टू शो माय मस्कारा. सो यहाँ पर मैं मैक का मस्कारा ले रही हूँ. एज यूजुअल मेरे जो पार्ट्स होते हैं वीडियोस में उसमें मैं यही मस्कारा अप्लाई करती हूँ. एंड देन फर्स्ट लैश जो है मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई किया है. देन मैं बेस मेकअप में मूव हो रही हूँ. सो यहाँ पर मैं मैक का लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ और इसे फिंगर टिप से पहले अपने फेस में थोड़ा सा लगा लूँगी, अपने फोरहेड में, थोड़ा नोज टिप में. एंड देन इसको मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी. सो यहाँ पर मैं ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो. सो यहाँ पर मैं ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड देन सेम पैलेट जो मैंने पहले लिया था अपने ब्रावो को क्लीन करने के लिए उसमें से कंसीलर शेड लूँगी और अपने अंडर आई में थोड़ा सप्लाई करूँगी, देन नोज टिप में, और इसे भी अच्छे से मैं साथ ही साथ ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लू कलर का एक पेंसिल लूंगी, आप आई पेंसिल बोल सकते हो, आई पेंसिल है, और इसे मैं अपने बॉटम वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूंगी. ये जस्ट मैंने ऐसे ही ट्राई किया है. आपके पास न्यूड शेड है, वाइट है या ब्लैक है, आप उस पर भी जा सकते हो एज अ काजल. एंड देन सेम गोल्डन शेड जो है थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर जो बॉटम लैश लाइन पर इसमें अप्लाई करूंगी. एंड लास्ट में इसको मैं मस्कारा कोट कर लूंगी. इसके नेक्स्ट मैं यहाँ पर बटर कप साचा का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ.
आप कोई भी पाउडर ले सकते हो बेस को सेट करने के लिए, कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो। सो इसे मैं पहले अपने अंडर आई को सेट कर लूंगी और साथ ही साथ एक ब्राउन शेड पिक करूंगी और अपने नोज को एज अ ब्रॉन्जर अपने नोज को कॉन्टोर करूंगी। आप कोई भी ब्राउन शेड पिक कर सकते हैं आपके आई शेडो पैलेट में, या ब्रॉन्जर है आप वो भी ले सकते हो। देन अपने ऑल ऑफ चीक में अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूंगी कॉन्टोर के लिए। एंड ब्लश ऑन के लिए यहाँ पर मैं रिफ्रेशिंग एंड ग्रूमिंग ब्लश ऑन ले रही हूँ, इसमें एक्चुअली दिख नहीं रहा है। एंड देन अपने चीक में इसको स्माइल करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। यहाँ पे मैं व्हाइट टेलकम पाउडर ले रही हूँ और अपने जॉ लाइन के जस्ट ऊपर एक शार्प लुक के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेक करूंगी पाउडर से। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बेसिकली पॉन्ड्स का पाउडर लिया है। एंड देन जब तक वो बेक हो रहा है यहाँ पे मैं ग्लैम मिनी हाईलाइटर ले रही हूँ और जस्ट अपने चीक बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी, देन ब्रिज ऑफ द नोज, और साथ ही साथ अपने ब्रा बोन को भी सेम हाईलाइटर से हाईलाइट करूंगी एंड क्यूपिड एंड चिन में। लास्ट लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं मेबेलिन कलर शॉक का लाइटली वॉलेट शेड पिक कर रही हूँ लिपस्टिक। ये न्यूड शेड है, आप कोई भी लिपस्टिक जा रही लाइक आप बोल्ड लिपस्टिक जा रहे हो वो भी इस लुक के साथ जाएगा। सो इसे मैंने अप्लाई कर लिया एंड जो बेक कर रहा था पाउडर उसे भी मैंने डिस्टॉप कर दिया। एंड देन आई विल बी बैक विथ माई फाइनल लुक। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो एंड लुक जो है पसंद आई होगी। सो लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आई होगी। एंड टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।